फ्रेंड्स, मैं हूं निवेदिता। बिग बॉस 10 का सीजन तो देखा होगा आपने। उस दौरान इस शो के विजेता रहे मनवीर गुर्जर शो में काफी पसंद किए गए, लेकिन उनकी शादी की खबर तब सामने आई जब वो बिग बॉस जीतकर घर लौट गए। ठीक ऐसा ही अब बिग बॉस के सीजन 14 में भी देखा जा रहा है। बस फर्क इतना है कि पहले मनवीर शो जीत कर गए थे, लेकिन अब जिस कंटेस्टेंट की बात हम कर रहे हैं वो इस शो से एलिमिनेट हुए। शो की कंटेस्टेंट रही पहले सारा गुरपाल और अब पवित्रा पुनिया की शादी की खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर बड़ी ही तेजी से वायरल हो रही है। हर कोई इस विषय पर बात कर रहा है। दरअसल रविवार को वीकेंड के वार के दौरान पवित्रा का सफर बिग बॉस के घर में खत्म हो चुका है, तो वहीं अब एक होटल चलाने वाले सुमित माहेश्वरी ने पवित्रा को लेकर बड़ा दावा किया है कि उनकी शादी पवित्रा के साथ पहले ही हो चुकी है। हालांकि वो बात बेशक अलग है कि पवित्रा उनके साथ नहीं रहती, लेकिन उनका तलाक अभी भी नहीं हुआ है। एक इंटरव्यू के दौरान सुमित ने पवित्रा को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पवित्रा को लेकर सुमित ने कहा है कि वो 4 बार उन्हें धोखा दे चुकी हैं और अब वो बिग बॉस में एजाज का फायदा उठा रही हैं। हालांकि एजाज एक अच्छे व्यक्ति हैं, यही नहीं सुमित ने यह भी कहा कि मुझसे आधिकारिक रूप से अलग होने के बाद वो एजाज खान के साथ रह सकती हैं। वैसे आपको बता दें कि पहले बिग बॉस के घर में पवित्रा ने बताया था कि उनकी सगाई साल 2015 में हुई थी और वो साल 2018 तक साथ थे, लेकिन बाद में वो अलग हो गए। पवित्रा ने बताया कि ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब वो अपने पूर्व मंगेतर को याद नहीं करती, जिसके बाद अब ये देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर पवित्रा का क्या रिएक्शन सामने आता है।